हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की गणित, जिसका चैप्टर है 8वां। हमारे चैप्टर का नाम है गाड़ियाँ और पहिए। ठीक है, तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अगर चैप्टर बड़ा हुआ तो इसके 2 पार्ट कर देंगे, नहीं तो इसी पूरे चैप्टर में आपका पार्ट है जो कम्प्लीट कर देंगे। तो ये है हमारा चैप्टर गाड़ियाँ और पहिए, 8वां चैप्टर है, जिसमें कुछ गाड़ियाँ दिखाई गई हैं, जैसे कि ट्रक है, बस है, साइकिल है, ठेला है, बैलगाड़ी है, कई सारी ये ठेले पे लिए जा रहे हैं सब्जी, कई सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई हैं। ये कहते हैं यहाँ पे, अरे देखो इसके कितने सारे पहिए हैं, मैंने इससे बड़े पहिए आज तक नहीं देखे। तो किसकी बात कर रहे हैं ये? इस गाड़ी की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़े पहिए लगे हुए हैं। ठीक है, और कुछ तो लिखा नहीं है यहाँ पे। चलो ये कहते हैं, तुमने ऐसी गोल गोल चीज़ें अपने आसपास ज़रूर देखी होंगी, तो अपनी कॉपी में इसी तरह की गोल गोल चीज़ों की एक सूची बनाओ। तो सूची बनानी है, जैसे कि यहाँ पे कुम्हार दिया गया है गोल गोल पहिए पे ही, वो अपनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो बनाता है, और हर गाड़ी में गोल पहिया ही होता है, और जैसे कि ये बच्चा टायर खेल रहा है। हमारी रोटियां भी गोल होती हैं, हमारी दुनिया भी गोल है, और हमारी प्लेट जो ऊपर रखे हुए वो भी गोल है, हमारी ढोलक भी गोल है, हमारी गाड़ियों के पहिए भी गोल हैं, हर चीज़ जो है वो गोल ही है। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया गोल है। ये कहते हैं चूड़ी से गोला बनाओ, तो चूड़ी लेके हमको गोली बनानी है। ये फिर कहते हैं, क्या तुम कभी चूड़ियों की दुकान पर गए हो? तो इस तरीके से डिब्बे में जो चूड़ियाँ रखी होती हैं, इन्होंने कई आकार की चूड़ियाँ ले ली, उनसे गोले बनाए हैं। ये लड़की कहती है, मैं ये चूड़ियाँ नहीं पहन सकती, ये बहुत छोटी हैं। फिर कहते हैं, इनमें से कौन सी चूड़ी तुम्हारे हाथ के नाप की है, अंदाज़ा लगाओ। तो भाई ये आपको ये अंदाज़ा लगाना है, आपके तो छोटे छोटे हाथ होंगे, तो हो सकता है ये वाली आपकी फ़िट हो जाए, पर मेरे हाथ के बराबर कोई भी चूड़ी नहीं है, मेरा हाथ बड़ा है। तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है यहाँ पे, ये देखते हैं आगे है। ये कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तार लो, अपने लिए चूड़ी बनाओ, क्या तुम्हारी मैडम या मैम जो यह चूड़ी पहन पाएंगी? मतलब इस तरीके से तुम्हें इस साइज में अंदाज़ा लगा कि चूड़ी बनानी है, कि तुम्हारी मैडम के लिए चूड़ी बन जाए या अपने लिए चूड़ी बना सकती हो। फिर आगे क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं चूड़ी का इस्तेमाल गोला बनाने के लिए किया जा सकता है, कुछ और चीज़ों के बारे में सोचो जिनका इस्तेमाल तुम गोला बनाने के लिए कर सकते हो। जैसे उन्होंने तार की बात की, आप क्या ले सकते हो, आप किसी पेड़ की जो डंडियाँ होती हैं, पेड़ के जो छोटी छोटी तने होते हैं वो ले सकते हो, आप कोई आटे की चूड़ी, जैसे कि आपने आटे के साइज़ में चूड़ी बना दी फिर उसको सुखा लिया, वो पहन सकते हो, और या तो आप मिट्टी की बना सकते हो, कई सारी चीज़ें जो हैं उनसे आप चूड़ियाँ बना सकते हो। अब ये कहते हैं, अब तुम अपनी कॉपी में या पास के मैदान में उन चीज़ों की मदद से गोला बनाओ जिनसे तुम्हें लगता है गोल बनाया जा सकता है। किस चीज़ की मदद से सबसे छोटा गोला बन सकता है और किस चीज़ की मदद से सबसे बड़ा गोला बन सकता है, तो ये बात बतानी है आपको। अब ये कह रहे हैं गोल घेरे का खेल, बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं, जैसे इन्होंने गोला बना लिया है, ये खो खो खेल रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि ये रुमाल छिपाना है और ये पकड़ना है, खो करना है, ये खेल जो है वो खो खो का खेल रहे हैं, उसमें भी गोला बना के बैठते हैं, और या तो कभी कभी ऐसे भी बैठते हैं, इधर मुंह करके बैठा, इधर मुंह करके बैठा, उधर मुंह करके बैठा, इधर मुंह करके बैठा, इस तरीके से भी खेलते हैं। ठीक है, कई तरीके से खेलते हैं, और इन्होंने एक सर्कल बना दिया, उसमें रुमाल लग दिया है, ये पकड़ना है, इसमें भी गोला वाला खेल होता है। ये कह रहे हैं, क्या तुम इन खेलों को खेलते हो? भाई मैंने तो खेले हैं, आप बताइए कि आपने खेले हैं कि नहीं खेले हैं, खेल के देखना, बहुत ही मज़ा आता है। अब ये कहते हैं, इन खेलों को खेलते हुए तुम कौन सा गाना गाते हो? तो गाना कौन सा गाते हो ये आपको बताना है। मैं तो शायद कोई गाना नहीं गाती थी, बस खो खो करती थी। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, तो अपने स्कूल में इन खेलों को खेलो, मतलब स्कूल में पढ़ाई तो करनी करनी है, साथ में मस्ती भी करनी है खेल खेल कर। अब ये कह रहे हैं, इन खेलों को खेलने के लिए हम गोल घेरा क्यों बनाते हैं? अगर आयत बनाए तो क्या होगा? तो भाई आयत बना के भी खेल सकते हैं और गोला बना के भी खेल सकते हैं। गोला बना के खेलने में क्या होता है, जब हम भागते हैं ना
तो हमारी स्पीड जो होती है अच्छी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली दौड़ते ही दौड़ेंगे तो हम थकेंगे नहीं। और ऐसे क्या करेंगे, ऐसे फिर गए, फिर मुड़े, फिर गए, फिर मुड़े, फिर ऐसे में ना हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। इसीलिए गोल गोल में ना घूमना ज़्यादा ईजी है। कुछ और खेलों के बारे में सोचें जो गोल घेरे में बनाकर खेले जाते हैं, जैसे अंताक्षरी जब खेलते हैं तब हम लोग गोल ही बैठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है गोला बनाना, क्या बनाना, गोला बनाना। गोला कैसे बनाना है, नैना, चिप्पू, अरीबा एक खेल खेलना चाहते हैं, वे मैदान में एक बड़ा गोला चाहते हैं, ठीक है, गोला बनाना चाहते हैं, लेकिन वे इसे बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए अमीबा एक टहनी की सहायता से मैदान में गोला बनाने की कोशिश करती है। कैसे गोला बना रही है, यहाँ पे आपने देख लिया है कि उसने एक टहनी ली, उससे वो गोला बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ भाई, टहनी से गोल गोल गोला वो बना रहे हैं, ठीक है। अब ये चिप्पू और नैना कहते हैं यह तो बिल्कुल भी गोल नहीं लग रहा, मतलब इन्होंने जो गोला बनाया है उनको वो गोल बिल्कुल गोल नहीं लग रहा, परफेक्ट नहीं लग रहा है। तो अरीबा कहती है, क्या कहती है अरीबा, अच्छा तुम दोनों ही कोशिश करके देख लो। फिर चिप्पू और नैना दोनों मैदान पर अपना अपना गोला बनाने की कोशिश करते हैं, फिर चिप्पू और नैना भी अपना गोला बनाते हैं। क्या इनमें से कोई गोले की अच्छी ड्राइंग है, तो वो ये यहाँ पे इन्होंने जो गोले की ड्राइंग बनाई है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, क्या तुम चौक से फ़र्श पर गोला बना सकते हो, इस कोशिश करो। तो चौक से फ़र्श पर गोला बनाना है, ठीक है, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बन जाएगा, जैसा कि मेरा हल्का सा गड़बड़ होगा पर मेरा भी परफेक्ट है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, ये अपनी कॉपी में पेंसिल से गोला बनाने की कोशिश करो। अपनी कॉपी में आपको कोशिश करनी है, अपने दोस्तों की कॉपी में गोले देखो किसका सबसे अच्छा गोला बना है, ठीक है, वो देखना है। और यहाँ पे एक टीचर के लिए बात कही गई है, देखते क्या है। इस अभ्यास का उद्देश्य छात्र को मुक्त हस्त से वृत्त बनाने का अवसर देता है, और फर्श के अलावा छात्र मैदान किसी भी अनुकूली चीज़ से वृत्त बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। विभिन्न चित्रों की तुलना से उन्हें वृत्त के आकार में एहसास होगा, मतलब आप जब फ्री हस्त मुक्त जिसे कहते हैं फ्री हैंड से आप गोला बनाना जब सीखेंगे तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी उत्पन्न होती है इस तरीके से, जब आप गोला बनाते हैं, ठीक है, बिना प्रकार वगैरह के, ठीक है, तो उसे हस्त मुक्त कहा जाता है। जब किसी चीज़ का यूज किए बिना आप जब गोला बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हस्त मुक्त कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा है रस्सी की मदद से गोला बनाना, तो रस्सी की मदद से गोला बना रहे हैं, जैसे कि इन्होंने एक तरफ से रस्सी को पकड़ लिया और दूसरी तरफ से कील में रस्सी को बांध लिया, ये लड़की यहाँ पे खड़ी रही और वो यहाँ कील चारों तरफ घुमाते हुए पूरा परफेक्ट गोला बना लिया इसने, ठीक है। अभी कहते हैं अरीबा ने तय किया कि वह धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी वृत्त बनाएगी। गोला को हम क्या कहते हैं, वृत्त भी कहते हैं। उसने एक पतली रस्सी ली, उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया, फिर अपने एक दोस्त की मदद से गोला बनाया। नीचे बने हुए चित्र को देखें कि यह किससे बना है, तो भाई किससे बना है, रस्सी और कील की मदद से परफेक्ट गोला उसने इस तरीके से खींच लिया, ठीक है। अब यह कहते हैं क्या तुम भी अरीबा की तरह कील और रस्सी की मदद से गोला बना सकते हो, तो भाई अगर आप बनाना चाहें तो आप भी बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। अब ये क्या कहते हैं, छोटे समूह बनाकर नीचे लिखी गतिविधियाँ करो, तो क्या गतिविधियाँ करनी है देखते हैं। हर एक समूह अलग अलग लंबाई की रस्सी व कीले लें, हर एक समूह अरीबा की तरह ज़मीन पर गोला बनाएं, सभी समूहों द्वारा बनाए गए गोलों को देखो कि समूह ने सबसे अच्छा गोला बनाया, उनकी रस्सी कितनी लंबी थी, क्या ज़्यादा लंबी रस्सी से ज़्यादा बड़ा गोला बन सकता है, तुम बता सकते हो भाई, हाँ जितनी लंबी रस्सी होगी उतना बड़ा गोला बनेगा, ठीक है। तो अब ये बात तो आपको ही बतानी है कि आपने कितनी लंबी रस्सी ली है और कितना क्या किया है। अब यहाँ पे अर्धव्यास दिया है, तो अर्धव्यास क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। पहले ये मंकी की बात सुन लेते हैं, क्या कह रहा है, जिस रस्सी से गोला बनाया गया उसकी लंबाई गोले की अर्धव्यास है, मतलब आधा व्यास। तो अर्धव्यास क्या होता है, मतलब जितनी लंबी हमने रस्सी ली है वही हमारा अर्धव्यास कहलाता है। अर्धव्यास को हम आधा व्यास भी कहते हैं।
अब ये आधा व्यास तो ये है, तो पूरा व्यास क्या है आप कहोगे? तो भाई पूरा व्यास जो होता है यहाँ तक की लंबाई, मतलब एक गोले के, मान लो आपने कील यहाँ पे रखी थी, कील से लेके दूसरी कील तक के छोर की लंबाई जो थी वो हमारा अर्ध व्यास था। अब यहाँ आपने रस्सी की यहाँ से लंबाई ली और पूरी कील से होते हुए बीच वाला जो आपने जहाँ पे रस्सी रखी थी यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए जाता है जब, मतलब ये यहाँ से होते हुए जब दूसरे गोले के दूसरे छोर पे पहुँचेगा वो हमारा हो जाएगा पूरा व्यास। कैसे? ये आधा व्यास, ये आधा व्यास, ये आधा आधा मिलके क्या होता है हमारा, आधा आधा मिलके हमारा क्या बनता है, एक बनता है ना, मतलब पूरा बनता है। तो वही बात इन्होंने आपको समझाई है। तो अर्ध व्यास को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या भी कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बताऊँ तो इसको हम रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस भी कहते हैं, ये इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं? सबसे छोटे गोले का अर्ध व्यास कितना लंबा है? तो भाई आपको ही देखना है आपके क्लास में बच्चों ने कितने कितने बड़े बड़े बनाए हैं। जिसका सबसे छोटा होगा वही आपको लिखना होगा कि उसने कितनी लंबी डोरी ली थी। वही डोरी की लंबाई ही हमारी अर्ध व्यास होती है। फिर यहाँ पे इन्होंने टीचर के लिए कुछ लिखा है, देखते क्या है। इस अभ्यास का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न आकार के वृत्त बनाएं, उनके अर्ध व्यास की लंबाई मापें तथा यह देखें कि अर्ध व्यास की लंबाई बदलने से वृत्त के आकार में कैसा बदलाव होता है। भाई अगर हम व्यास की लंबाई जो है हिलाएंगे डुलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसकी लंबाई, आज मान लो आपने 2 सेंटीमीटर की लंबाई, 2 मीटर की लंबाई ली है, 2 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, मान लो आपने 2 मीटर की लंबाई ली है, आपके दोस्त ने 1 मीटर की लंबाई ली है, तो चेंज तो होगा ही, आपका गोला बड़ा बनेगा और इनका चुकोला छोटा बनेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्केल से चूड़ी का अर्ध व्यास बनाओ, इसकी लंबाई भी नापो। तो क्या कर रहा है, आपने एक गोला बना लिया है, किससे? चूड़ी की मदद से आपने गोला बना लिया है। फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको स्केल से बीच से होते हुए, ठीक है, बीच बीच का पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, इधर से एक लाइन खींचो और जितनी लंबाई इधर हुई है उतनी ही लंबाई इधर होनी, मतलब इस पूरी लंबाई को नापो और इधर से भी सेम लंबाई होनी चाहिए, मतलब जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये होनी चाहिए। तो जो आपको पॉइंट मिलेगा वही हमारा केंद्र होगा, इसको हम केंद्र कहते हैं। बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम केंद्र कहते हैं। अब यहाँ की जो दूरी होती है हम वही हमारा अर्ध व्यास होता है, मतलब त्रिज्या होती है। तो वही इसकी हमें लंबाई नाप के लिख देनी है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या बनाया, चित्र देखो, उनसे उनके द्वारा नापी गई अर्ध व्यासों की लंबाई भी पूछो। और क्या सभी अर्ध व्यासों की लंबाई बराबर है? भाई अगर चूड़ी बराबर होगी तो अर्ध व्यासों की लंबाई भी बराबर होगी, अगर चूड़ी छोटी बड़ी होंगी तो उनकी लंबाइयाँ भी अलग अलग होंगी। और नीचे दिए गए गोलों के अर्ध व्यास बनाओ। ठीक है, अब क्या करें, अंदाज़ा लगाओ किस गोले का अर्ध व्यास बड़ा है। तो अंदाज़ा लगाने के हमको दिख, जो हमारा गोला बड़ा है उसका अर्ध व्यास बड़ा होगा, जो हमारा गोला छोटा है उसका अर्ध व्यास कम होगा। जैसे कि इन्होंने केंद्र दे दिया है, ये जो बिंदी दिख रही है वो हमारी केंद्र है, यहाँ तक की जो दूरी है वो हम नाप लेंगे, केंद्र से यहाँ तक की दूरी हम नाप लेंगे। भाई ये दूरी बड़ी होगी क्योंकि ये गोला हमारा बड़ा है, ये हमारा गोला छोटा है, तो इसका अर्ध व्यास हमारा छोटा होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, दोनों गोलों के अर्ध व्यास स्केल से नापो, उनके अर्ध व्यास की लंबाई लिखो। हर एक रंग के गोले का अर्ध व्यास नीले रंग के गोले का अर्ध व्यास, तो भाई लंबाई जो आपने नापी है वो यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, मान लो छोटे छोटा वाला जो गोला था उसकी लंबाई थी 1 सेंटीमीटर और बड़ा वाला जो गोला था उसकी लंबाई थी 2 सेंटीमीटर। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, वो आपको नाप के लिखनी है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है ये मैंने, ठीक है, आपको नाप के लिखनी है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पता करो। तो क्या पता करना है, साइकिल के पहिए या बैलगाड़ी के पहिए के अर्ध व्यास नापो, तुम इसे धागे या टेप की सहायता से नाप सकते हो। तो क्या करना है, अगर आपको कोई साइकिल दिखे या बैलगाड़ी दिखे तो उनके पहिए का अर्ध व्यास नापना। अब आप कहोगे कि भाई कैसे नापे, तो आपको बताते हैं कैसे नापना है। ये है आपकी साइकिल, ठीक है, तो ये बीच में जो हमको पॉइंट दिख रहा है, मान लो यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ, ये साइकिल में इस तरीके से रिंग लगी होती है ना, ये जो ये लगा होता है, इस तरीके से हमारा साइकिल का पहिया होता है ना कुछ,
तो बीच का पॉइंट लेके यहाँ पे, ठीक है, ये बीच का पॉइंट से इसके बीच की दूरी आपको नापनी है, यही हमारा अर्धव्यास हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं इन दोनों के पहियों के अर्धव्यास बराबर हैं, तो वह बैलगाड़ी का पहिया तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसकी भी लंबाई आपको इस तरीके से, बैलगाड़ी का पहिया कुछ होता है ये आपको लंबाई नापनी है, साइकिल का पहिया जो इतना बड़ा नहीं होता है तो आपको ये वाली लंबाई नापनी है। तो साइकिल का पहिया का अर्धव्यास जो होगा वो छोटा होगा, क्योंकि साइकिल के पहिया जो होता है वो छोटा होता है। अब यहाँ देखते हैं, क्या तुमने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है? तो भाई आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे जाके आप गूगल पे जाके सर्च मार देना, इन दोनों को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई इनको कह रहा है इनने देखा है, तो बिल्कुल आपने देखा होगा, तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा है? तो अगर मैं बात करती हूँ, सबसे बड़ा पहिया मैंने रोलर का ही देखा है, बहुत बड़ा पहिया होता है, काफ़ी चौड़ा भी होता है, बहुत चौड़ा पहिया होता है, ठीक है, और वो ही हमारी रोड जो होती है उसको बराबर करता है। ठीक है, और क्या ट्रैक्टर या रोड रोलर के सभी पहियों का अर्धव्यास बराबर होते हैं? तो ऐसा नहीं है, रोड रोलर जो होता है उसका पहिया बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के वृत्तों की त्रिज्या बनाने, उन्हें मापने के अनेक रोचक तथ्य रोचक अभ्यास जरूरी हैं। वह पहिया और रेलगाड़ी भी बना सकते हैं, मतलब रेलगाड़ी हो कोई भी गाड़ी हो, सबके पहिए कैसे होते हैं? गोल होते हैं, गोल होंगे तभी वो तो गोल गोल करके चलेंगे, क्योंकि चौकोर होंगे। मान लो आपने अगर चौकोर पहिए बनाए, सोच लो तो चौकोर, फिर इधर चला फिर इधर चला, कैसे चल पाएगा भैया? अगर इधर से पहिया, अगर आपने इधर से चला फिर इधर वाला जो पहिया ज़मीन में आएगा, पटाख से एक झटका लगेगा, नहीं चल पाओगे आप बिल्कुल। तो इसीलिए हर चीज़ जो होती है चलने वाली, हमारे वाहन की चीज़ें, वो हमारी गोल होती हैं। अब यहाँ पे लिखा है लाली और काली रस्सी द्वारा खंभे से बंधी हुई हैं, ये दो बकरियाँ हैं लाली और काली। काली की रस्सी ज़्यादा लंबी है, और दोनों में से कौन सी ज़्यादा दूरी तक की घास चर सकती है? भाई जिसकी रस्सी ज़्यादा लंबी होगी, मतलब जिसका रस्सी सेम जैसे हमने गोला बनाया था रस्सी की मदद से, जिसकी रस्सी लंबी थी उसका ज़्यादा बड़ा गोला था। ठीक है, मतलब किसकी रस्सी? काली की रस्सी ज़्यादा लंबी है, इसकी रस्सी ज़्यादा लंबी है। मान लो इसकी रस्सी जो इतनी लंबी है, तो वो जो घास चलेगी इतनी काफ़ी एरिया में चलेगी, और इसकी रस्सी तो इतनी ही है, तो वो सिर्फ इतनी ही जगह में घास चर पाएगी। तो कौन ज़्यादा घास चरेगी? काली जो है वो ज़्यादा हिस्से की घास चर पाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कहा है दलजीत के डिजाइनर, किसके डिजाइनर? दलजीत के डिजाइनर, दलजीत ने परकार की सहायता से ये डिजाइन बनाए हैं, जैसे गोलों से, ये जो पकड़े हुए हैं ये प्रकार होता है, इसमें एक तरफ पेंसिल लगा देते हैं, दूसरी तरफ लोहे की चोन होती है, यही हमारा केंद्र बनाती है, इसको घुमाते हैं तो हमारा गोला बन जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी डिजाइन बनाई हैं। अब यहाँ पे लिखा है उसकी बहन आई और उसके साथ मिलकर ज़्यादा बड़ा डिजाइन बनाने लगी, ज़्यादा डिजाइन बनाने लगी, मतलब उसके बहन जो है प्रकार से और सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बड़े बड़े डिजाइन बना रही है। क्या तुम भी ऐसे डिजाइन बनाना चाहते हो? ऐसे डिजाइन बनाने के लिए तुम्हें किसकी सहायता होगी? प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। प्रकार क्या होता है? ये मैंने अभी आपको दिखाया है, ये जो बच्चा जो है प्रकार लिए हुए है, ये हमारा प्रकार होता है। ठीक है, आप इसको सीखने के लिए अपने घर वालों की हेल्प ले सकते हो, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिया गया है, एक तरफ पेंसिल लगी होती है, दूसरी तरफ लोहे की छोन लगी होती है। ठीक है, और अब यहाँ पे लिखा है प्रकार का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल? प्रकार का इस्तेमाल। क्या तुमने पहले कभी प्रकार देखी है? अगर नहीं देखी है तो देख लो भाई, ऐसी होती है प्रकार, और ज़रूर आपने देखी होगी यार, आप फोर्थ में पहुँच गए हो, बिल्कुल देखी होगी। नहीं देखी होगी तो अपने से बड़े जो आपके स्कूल के बच्चे होंगे, एर्थ के, सेवेंथ के, सिक्स के, उनसे आप देख सकते हो। ठीक है, फिर लिखा है तुम गोला बनाने के लिए इसका प्रयोग कैसे करोगे? तो कुछ नहीं, इधर का जो हिस्सा होगा वो हम वहीं पे रखेंगे और ये घुमाएंगे गोल को। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो गोला हो जाएगा वो बन जाएगा। जैसे ये लड़की यहाँ पे ये हिस्सा जो चोन वाला, जो लोहे की चोन वाला होता है वो रखे हुए है, वो बिल्कुल नहीं हिलाती, अगर वो हिला देगी तो गोला हमारा गड़बड़ हो जाएगा। हिला क्या रही है? जो पेंसिल की तरफ वाली साइड है वो घुमाते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं अपना प्रकार खोलो। प्रकार जो होता है हमारा बंद होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसके चिपके में ऐसे होता है। ठीक है, फिर इसको खोलते हैं ऐसे, ये घूम जाता है, यहाँ पे गिरनी लगी होती है जिससे ये घूम जाता है,
और नुकीला जो सिरा होता है वो कागज़ पर रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे इसने रखा है। प्रकार को ऊपर से पकड़ो, और ऊपर से पकड़ा जाता है, यहाँ से पकड़ा जाता है, जैसे कि लड़की पकड़ रही है। नुकीले सिरे को हिलाओ, पेंसिल को गोल घुमाने की कोशिश करो। अब पेंसिल को हमें गोल घुमाना है, घुमाना है, इस तरीके से हमारा गोला जो है वो बन जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, उस निशान को ढूंढो जहाँ पर नुकीले सिरे को रखा था। मतलब अगर आपका मान लो हिल गया है तो आपको कैसे मिलेगा भाई वो, जहाँ पे वो नुकीले होता है तो हमारे कागज़ में एक छोटा सा छेद बना देती है हल्का। कभी कभी आप अगर ज़्यादा ताकत लगा दी है आपने, ज़्यादा फोर्स लगा दिया है, तो वहाँ पे छेद अच्छा खासा छेद हो जाएगा। नहीं ज़्यादा ताकत लगाई है तो हल्का सा तो छेद बन ही जाएगा, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो। फिर से वहाँ पे प्रकार की वो नुकीला सिरा जो है फिर से रख दो, और फिर से अपना आप गोला जो है अच्छे तरीके से बना सकते हो। यही जो गोला जो छेद बनता है, मतलब जो हमारे नुकीला सिरा जहाँ पे रखा होता है वही हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। क्या कहते हैं उसे, केंद्र। क्या यह गोला उस सिरे से अच्छा है जो तुमने बिना प्रकार के प्रयोग किए बनाया था? इस गोले का अर्धव्यास बनाओ, बताओ और उसकी लंबाई लिखो। भाई जितनी मान लो ये इधर तुम्हारी, ये कहाँ गया हमारा प्रकार, तो ये वाला हिस्सा जहाँ पे रखा है वो हमारा केंद्र हो गया, और ये जो दूरी होगी यही हमारी क्या हो जाएगी, अर्धव्यास हो जाएगी। अर्धव्यास को और क्या कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं, ठीक है। अर्धव्यास को आधा व्यास भी कहते हैं, ठीक है। यही हमको लंबाई नापनी है जो इन्होंने कहा है, बताओ। अभी कहते हैं अब तुम दलजीत की तरह डिजाइन बनाने की कोशिश करो। तुमने कितने डिजाइन बनाए, अब इस प्रकार की सहायता से ये तुमको क्या करना है, डिजाइन बनाना है। अब ये कहते हैं अंदाज़ा लगाओ कि यह डिजाइन कैसे बनाया गया। प्रकार की मदद से ऐसा ही डिजाइन नीचे दिए गए बॉक्स में बनाओ, ठीक है। तो ये जो डिजाइन बॉल बनाई है तो आपको क्या करना है, प्रकार रखा इसे गोल, सॉरी यार मेरा तो गोल बना ही नहीं, प्रकार रखा ये गोल गोल बनाया और यहाँ पे ऐसे आपने डिजाइन बंदी कर दी, तो बन गई ना आपके बॉल सुंदर सी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है बच्चों को प्रकार की सहायता से अपने डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, इस तरह से उन्हें प्रकार की सहायता से व्रत बनाने का रोचक अभ्यास होगा। तो गोले को ही क्या कहते हैं, व्रत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अर्धव्यास कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं, और ये जो हमारा होता है इसको पूरा जब कर देते हैं, तो केंद्र से होते हुए जब जाती है ये हमारी दो अर्धव्यास जो होते हैं, केंद्र से होते हुए जाते हैं सीधी लाइन में, तो वो हमारा व्यास होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, अब ये कहते हैं क्या यह एक व्रत है, तो कौन सा है, किसकी बात कर रही हैं। नैना एक गोला बना रही है, देखो भाई नैना जो गोला बना रही है कुछ गड़बड़ हो रहा है उसका, देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है कुछ। उसका प्रकार जो है, पहले उसका प्रकार का केंद्र यहाँ पे था, ये आप देख सकते हैं, देखो पहले उसका केंद्र यहाँ पे था, फिर उसने प्रकार की चोन हटा के यहाँ कर दिया, तो उसका ना गोला गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है, जब आपको खींचना है ना एक ही केंद्र होना चाहिए, ये नहीं आपने इधर रख दिया उधर रख दिया तो आपका गोला जो हिलता डुलता बनेगा, गलत बनेगा। तो रवि ने उससे रबर मांगा, उसने अपनी प्रकार रख दी और रबर दे दी, वह फिर से गोला बनाने लगी, लेकिन उसका गोला जो है ऐसा बना, मतलब पहले जब गोला बना रही थी उसका केंद्र यह था, तो उसने आधा गोला इस तरीके से बना दिया। रवि ने कहा उस लड़की से कहा, इस क्या नाम है इसका, जो भी नाम हो उससे कहा भाई हमको रबर दे दो, तो इसने अपना प्रकार रख दिया और उसको रबर देने लगी। अब भूल गई उसका केंद्र कहाँ है, उसने यहाँ पे केंद्र बना दिया, अब फिर गोला बनाने लगी। जब यहाँ पे उसने केंद्र बना लिया फिर उसका गोला यहाँ से बनेगा, तो मतलब उसका गोला है जो गड़बड़ हो गया ना। तो क्या करना है भैया, पहले अपना गोला बना लो फिर कोई काम करो, या तो आपका केंद्र है उसको ध्यान से ढूंढो, फिर वहीं पे अपनी प्रकार की चोन जो है नुकीली चोन रखो, फिर आपका गोला जो है वो सही बनेगा। अब क्या कहते हैं, सोचो, क्या सोचना है, नैना की बनाई गई आकृति ऐसी क्यों बनी, चर्चा करो। तो भाई चर्चा मैंने कर दी है, ऐसी आकृति क्यों बनी, क्या एक गोले को एक से ज़्यादा केंद्र हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, एक गोले का एक ही केंद्र होगा। अगर 10-20 आप केंद्र बना देंगे, मतलब एक से ज़्यादा केंद्र बना देंगे, मतलब उसका होगा, आपका गोला गोला वो है ही नहीं, वो गड़बड़ झाला है। क्या है वो, गड़बड़ झाला है। एक गोले का एक ही केंद्र होता है, एक गोले का एक ही केंद्र होता है, और उस केंद्र से आप कितने भी व्यास निकाल सकते हो, मतलब आप उस गोले से कितने भी व्यास बना सकते हो, उस गोले से मिला के आप कितनी भी त्रिज्याएं बना सकते हो, ठीक है।
तो एक गोले का एक ही केंद्र होता है। अब कहते हैं दूसरे दिन नैना प्रकार की मदद से एक गोला बना रही थी, पर यह कुछ ऐसा बना, मतलब वो उसका गोला जो था कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये तो गड़बड़ बन रहा है, क्यों बन रहा है ऐसा? क्या तुम में से किसी की आकृति नैना द्वारा बनाई गई आकृति के समान बनी है? मतलब जब हम क्या करते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो प्रकाश चलाना सीखते हैं, जैसे कि आप जो हैं अभी प्रकाश चलाना अगर जानते हो तो बढ़िया बात है, लेकिन जब आपने सीखा होगा तो आपने देखा होगा कभी गोला कैसा बन रहा, कभी कैसा बन रहा, मतलब सही नहीं बनता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमको सारे नियम नहीं पता होते हैं। कभी जब हम पेंसिल ढीली लगा देते हैं, जैसे कि पेंसिल कसने के लिए यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है, ठीक है, आपने अगर पेंसिल ढीली लगाई तो आप जैसे गोला सही शुरू करेंगे तब तक सही होगी, वो पेंसिल ढीली होती वो तिरछी हो जाएगी पेंसिल, तो आपका गोला ऐसे हो जाएगा, मतलब सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, अरे मेरे प्रकार का पेज ढीला है, मुझे उसे कसने दो, मेरी प्रकार फिसलेगी नहीं। मतलब इनके जो पेज था वो ढीला था, मतलब उनकी पेंसिल जो थी वो ढीली हो गई थी, इसलिए उनका जो पेंसिल थी वो सरक रही थी, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है ये भी देख, अब ये कह रहे हैं केंद्र को खोजो, किसको खोजना है, केंद्र को। सादिक और समीना अपना अपना गोला बनाना चाहते हैं, तो ये भी अपना गोला बनाना चाहती है, यह भी अपना गोला बनाना चाहती है। ये कहता है मैं प्रकार की मदद से बनाऊंगा, अब ये कहती है नहीं मैं तो चूड़ी को छाप कर बनाऊंगी, तो दोनों अपने अपने बना रहे हैं, तो ये चूड़ी से बना रही है और ये प्रकार से बना रहा है, आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने अपने गोले काटे, इसने भी, इसने अपना गोला काटा, इसने अपना गोला काटा, ये कहता है देखो मेरे गोले का केंद्र है, मतलब ये कह रहा है मेरे, इसने प्रकार से बनाया ना, तो प्रकार से बनाया मतलब उसकी जो नुकुली चोन होती है वो रख जाएगी, छप गई है, तभी वो कह रहा है देखो मेरे गोले का केंद्र है, लेकिन तुम्हारे गोले का केंद्र नहीं है, मतलब इसने प्रकार से बनाया ना, तो प्रकार हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इधर हमारी पेंसिल लगी होती है, इधर हमारी पेंसिल लगी होती है, ठीक है, जिधर से हम खींचते हैं, और इधर हमारी जो लोहे की नुकीली चोन होती है, तो चोन जो है छप जाती है, ठीक है, एक गड्ढा बना देती है हल्का सा, तभी ये कह रहे हैं मेरे गोले में केंद्र है। और ये फिर कहते हैं चिंता मत करो मैं उसे ढूंढती हूँ, अब ये कह इसने तो चूड़ी से बनाया, छाप के बनाया, इसमें तो कोई गड्ढा हुआ नहीं, तो इसके गोले में केंद्र नहीं हुआ लड़की के में, तो कहती है चिंता मत करो मैं उसे ढूंढ लूँगी। तो भाई ये ढूंढेगी, तो अब क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने गोले को मोड़कर, उसका जो गोला था उसने मोड़ लिया, ठीक है, उसका इस तरीके से गोला था, ठीक है, इस तरीके से गोला था पूरा, ये गोला था, फिर उसने अपने गोले को मोड़ लिया, आधा कर दिया, ठीक है, जब आधा कर दिया फिर इस हिस्से को आधा कर दिया, मतलब उसका जो इस तरीके से उसने आधा कर दिया, तो उसको कितना मिला, इस तरीके का हिस्सा मिला, ठीक है। फिर से बताते हैं आपको, देखो उसका ऐसा एक गोला था गोला, तो उसने जब मोड़ा उसको तो वो इस तरीके से हो गया, मोड़ दिया कागज़ ना, बीच से बिल्कुल बराबर मोड़ दिया, इस तरीके का हो गया, ठीक है, ये उसका कागज़ हो गया, ठीक है। फिर उसने फिर से एक बार मोड़ दिया, तो जब उसने फिर से मोड़ दिया, इस हिस्से को फिर से मोड़ दिया, तो इसका इस तरीके का कागज़ मिला, ठीक है, इस तरीके का कागज़ मिला, मतलब इतना हिस्सा मिला, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हिस्सा मिला, तो उसका केंद्र उसको कहाँ पे मिला, आइए बताते हैं, तो उसको केंद्र जो मिला है वो यहाँ पे मिला है, कोना जो ये वाला है वही इसका केंद्र है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फिर से जो मोड़ दिया तो उसको उसका केंद्र मिल गया, यहाँ पे उसने मुड़ा हुआ गोला खोला, जब मुड़ा हुआ गोला खोला तो इस तरीके का ये लाइनें वगैरह छप जाएंगी ना, जब आप कागज़ को मोड़ेगे तो उसमें लाइनें पड़ जाएंगी ना। ये कहता है क्या तुम दूसरे एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें देख रहे हो, तो ये एक दूसरे को काटती हुई जो दो लाइनें हैं, तो जो काटने का पॉइंट जो है आपको दिखाते हैं, ये जो पॉइंट है, जो काटने वाला पॉइंट है, यही उसका क्या है, केंद्र है। तो ये कहता है हाँ, ठीक है, तो उसको बताती है, ये कहती है वहाँ मैंने वहाँ का एक बिंदु लगाया है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो यही गोले का क्या है, केंद्र है, ये जो बिंदु दिख रहा है ना, ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, यही गोले का केंद्र है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब ये कहते हैं, आगे ये कहते हैं, गड़बड़ हो जाता है यार, चलो ठीक है, अब तुम चूड़ी की मदद से कागज़ पर एक गोला बनाओ, इसे काटो और समीना के इस तरीके से केंद्र ढूंढो। भाई आपको भी ऐसे ही ढूंढना है जैसे कि समीना ने ढूंढा है, एक चूड़ी से तुम्हें गोला बनाना है और उसका तुम्हें केंद्र ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ढूंढना है आपको कागज़ को मोड़ के, ठीक है।
अब ये क्या करें, हम प्रेस्ट 88 पर दिए गए डिजाइन को इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मतलब इन्होंने जो हमारी बॉल बनाई थी, तो बॉल को आप कहोगे कि ये डिजाइन कैसे बनाएं, तो इन्होंने क्या किया, आइए देखिए सिंपल से इन्होंने क्या किया है। इन्होंने दो छोटे छोटे गोले बना दिए, तो एक का हिस्सा डार्क कर दिया, इधर का हिस्सा डार्क कर दिया, और जो इधर वाला जो था उसको बिगाड़ दिया। तो इस तरीके से हमको ये मिल गया। आगे है संतुलन करना, तो किसका संतुलन करना है ये भी देखते हैं। क्या तुम एक प्लेट को अपनी उंगली पर टिका सकते हो, ये कह रहा है बंदर। ठीक है, मैं करके दिखाऊँ देखूँगा, तो ये देख रहे हैं, तो मैं फिर कोशिश करूँगा। ये कर रहा था लेकिन गिर रही थी, फिर तभी कह रहा है मैं फिर से कोशिश करूँगा। फिर ये कहता है कि क्या कहता है, मुझे लगता है कि मुझे प्लेट का केंद्र मिल गया है। मतलब प्लेट कब टिकेगी, टिकेगी तब जब तुम्हारी उंगली जो है प्लेट के केंद्र पे रखी होगी, तभी जो वो प्लेट है आपके हैंड पे खड़ी रहेगी। और ये क्या कर रहा था भाई, ये जो है किनारे की साइड में रख रहा था। मतलब केंद्र, केंद्र कहाँ होता है, बीच में होता है, पर ये रख रहा है किनारे की साइड, मतलब उसको केंद्र मिला नहीं है। तो उसकी प्लेट जो थी बार बार गिर रही थी, उसने केंद्र ढूंढ लिया तो उसकी प्लेट जो है टिकी रही, मतलब उसने ढूंढ लिया और उसकी प्लेट गिरी नहीं। ये कहते हैं तुम भी प्लेट को उंगली पर टिकाने की कोशिश करो और देखते हैं प्लेट कहाँ पे टिकती है। मतलब आपको प्लेट का केंद्र ढूंढना है और उसको उंगली पे खड़ा करना है। ठीक है, तो कैसे बताया, मान लो ये आपकी प्लेट है, ठीक है ये आपकी प्लेट है, तो आपका केंद्र कहाँ होगा, बीच में होगा। अगर आपकी उंगली यहाँ पे होगी तो प्लेट आपकी जो है सीधी खड़ी रहेगी। मान लो आपने उंगली यहाँ पे रख दी तो प्लेट जो है वो आपकी बार बार गिरेगी। अभी कह रहे लड्डू को घुमा, सॉरी लट्टू को घुमाओ। ठीक है, लट्टू क्या होता है, जाकिर अप्पू नैना गुड्डू बोर हो रहे थे, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए वे बाहर खेलने भी नहीं जा गए। बारिश जो हो रही थी वो बाहर खेलना चाहते थे पर बाहर जा नहीं सकते थे, इसलिए वो घर में बोर हो रहे थे। अचानक अप्पू के दिमाग में एक विचार आया, चलो हम सब अपना अपना लट्टू बनाते हैं। उन्होंने गत्ते का एक टुकड़ा लिया, उस पर गोला बनाया, उसमें छेद करके माचिस की तीली लगा दी। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये काट रहे हैं, गोला बनाया, उसमें छेद कर दिया, माचिस की तीली लगा दी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनाया है। ठीक है, ये अब सब ने अपना अपना लट्टू घुमाने के लिए उत्सुक थे। उनके लट्टू कुछ इस तरह ऐसे लग रहे थे। जो जाकिर ने बनाया उसने साइड में लगाया, अप्पू ने बिल्कुल बीच में लगाया है, सही बनाया है, केंद्र में उसने लगाया है माचिस की तीली। नैना ने इधर साइड में लगा दी, लड्डू ने साइड में तो नहीं ज़्यादा पर केंद्र से थोड़ी दूर में लगाया, मतलब बीच में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो सबने तो अपने अपने तरीके से माचिस लगाई अंदाजे से। सोचो किसका लट्टू बिल्कुल नहीं घूमेगा, तो किसका लट्टू बिल्कुल नहीं घूमेगा, जाकिर का और नैना का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइड में लगे हुए हैं, ये तो बिल्कुल नहीं घूमेंगे। ये हल्का फुल्का लुढ़कता हुआ हल्का सा घूमेगा, पर ये बिल्कुल सही घूमेगा अप्पू का। और किसका लट्टू थोड़ा घूमेगा, तो लास्ट वाला कौन था, गुड्डू, जो गुड्डू है उसका थोड़ा घूमेगा। किसका बिल्कुल नहीं घूमेगा, जाकिर और नैना का। और किसका लट्टू सबसे अच्छा घूमेगा, तो अप्पू का सबसे अच्छा घूमेगा। और किस लट्टू की तीली केंद्र के पास है, तो गुड्डू के तीली जो है केंद्र के पास है। फिर ये अब कहते हैं अपना अपना लट्टू खुद बनाओ, तो ऐसे ही आपको लट्टू बनाना है और घुमाना है। तो तुम भी लट्टू का बना सकते हो, उसे खेल सकते हो, लट्टू ठीक से घूमे इसके लिए छेद कहाँ करना है। मान लो ये आपका प्ले गत्ता है, आपको छेद करना है बिल्कुल बीचों बीच में, केंद्र में, तो ही आपका लट्टू जो है वो अच्छे से घूमेगा। तो इस तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो भाई अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो देख लेना हमारी बाकी की वीडियोस, कहाँ मिलेंगे, प्लेलिस्ट में। तो जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी देख लीजिए। वो भाई ये है कि अब आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने कर लिया है तो आपका लख लख थैंक यू। और दूसरा काम आपको ये करना है गुरु दक्षिणा में कि हमारी वीडियोस को अपने क्लासमेट, अपने टीचर, अपने फ्रेंड सर्किल सबको शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हमारे चैनल पर क्लासेस दी जा रही हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेस दी जा रही हैं, हिंदी में क्लासेस दी जा रही हैं। तो भाई हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल भी देना नहीं भूलिएगा। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी देख ले। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइम हमारे चैनल पे एक ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको सितंबर के लास्ट तारीख तक आपको
हर दिन आपको कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसको ये प्यारे प्यारे बम्पर गिफ्ट्स दिए जाएंगे, 10 लोगों को गिफ्ट दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हो, टॉप 10 में आना चाहते हैं, ये गिफ्ट पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बात यह है, अगर आपको पढ़ना है हमसे तो आपको जो आपकी जो क्लासेस की वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, वहाँ आपके सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके चैप्टर्स की हैं, आपके सब्जेक्ट की हैं। और दूसरी बात ये कि आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे 3 चैनल मिलेंगे, पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट, जो कि एक क्रिएटिव चैनल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिए और हमारे इन चैनल्स को भी सपोर्ट करिए। और हमारा जो पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, उसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी आप देख सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। दूसरा चैनल हमारा बच्चों का चैनल है जिसमें आप बच्चों को दिखा सकते हैं। तीसरा चैनल है हमारा जोजस क्राफ्ट जिसमें आप घर की बेकार चीज़ों जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन शूज़ हुए, उनसे आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना सीख सकते हो, डेकोरेशन की चीज़ें बनाना सीख सकते हो। ये सब आप क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके माइंड को बूस्ट करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सब हमारे ही चैनल हैं। और तो भाई हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।